रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जितने ही तेरी तुझको फांसी पर चढ़ाया है, दरियाए तकब्बुर ने भी तुझको डुबाया है। दुर्जन सिंह ये सब तेरा वहम है, झूठ की टहनी कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी इस तरह चलती नहीं। झूठ कितना ही छिपाओ छिप नहीं सकता कभी, झट के आगे कहीं फरे कभी टिकता नहीं। सेनापति ये अभी भी किसी गलत फहमी में है, होगा मालूम सबको कातिल और कत्तार हो तुम, इसलिए तावर था फांसी के लिए तैयार हो। चला दो इसे फांसी दे दो, लेकिन रुको, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ तो लो, पता पता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मैं मरने से पहले अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। दी 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 कर ले इबादत अल्लाह की। या अल्लाह मैं तेरे पास आ रहा हूँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने दामन में गद्दारी की तहमत समेटे हुए आपके पास आ रहा हूं। ये अल्लाह अगर मैंने कभी सच्चे मन से आपकी इबादत की है तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दो। ये हाथ तेरी बंदगी के सिवा कभी दूसरी जगह नहीं पहले। आवाज क्यों पहुंची नहीं मनाओ तेरे दरबार में, कर रहा कब से कदाई मैं तेरे दरबार में, कौन है तेरे सिवा अर्जी लगाऊ किस जगह, क्या कासिदों ने मेरी अर्जी क्या नबी सरकार ने, कौन तो होगा नहीं और मेरे खुदा पर याद कर तो यही सब कहेंगे इंसाफ नहीं है सरकार में। बस बस बहुत हो गया, हो गई इबादत सिपाही चढ़ा लो इसे चुनी पर। हाँ क्या तेरे लगेगा, अब क्या तेरी फरियाद है, फैसला हो जाएगा, अब भी जल्दी चढ़ा दो इसे। एक दो तीन, ये क्या हुआ, सिपाहियों पकड़ो उसे पकड़ो, देखो भागने न पाए, ये क्या कर रहे हो, पकड़ो उसे पकड़ो। करण सिंह कैसे तुम्हारे सिपाही हैं कि तुम एक सेनापति को पकड़ न सके, और तुम तो सेनापति हो, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। और ऊपर वाले का करिश्मा जैसे फांसी का फंदा गले में खींचा गया और अल्लाह पाक ने
सेनापति को बचा लिया, कैसे बेगुनाही साबित करेगा और कैसे अपने